दीप जलावे नीचे पितारे दीप जलावे अरे फिर क्या बाबा कराया मैंने बता था ये अरे अंधेरे में ना गांव के आए हमारे गांव को मार का है कि ये मेरे बाबा जी ने चाहते हैं ये चलावे पूरे राजा बैठे थे टकटकी लगाई पर धनुष को किसी कोई राजा ने नहीं देख पाओ तो भगवान ने धनुष को कम कर दिया झूला झूला देख लेत चलावत खेत गाले काहू ने नखा देख शंकर जी कह रहे हे पार्वती हमारे तो धनुष में तो है तो गाओ पाए ना एक काम करो पार्वती फूलों को धनुष डाल दे तो पार्वती ने फूलों को डालो जो धनुष भगवान शंकर के चला गया तो फूलों को भगवान ने तोड़ दिया जन्म मद राम धन तोड़ा भया टूट गाओ जैसे धनुष टूट गाओ तो भी राजा सब चला ये काम कर दिए अपन कि ये दो ही अपन फिर धनुष नहीं टूटो तो अपन आप सीता को हरण करके ले जाइए इन दो ही तरफ सुनो तो ते भूम का कोई मिलने वाला नहीं परशुराम है धन है परशुराम परशुराम अरे पर बात तो की बात है तो भगवान की शादी में कम झगड़ा हो तो आज तो ये अपन और अपन लग नहीं पाते जोन पिता के पुत्र की बारात जाती तो गांव भर में खवास कौन की तो हाँ भैया कल फलाने भज्जा की बारात जा रही है तो हरी के लट्ठ काट लीजो उसे लग नहीं पाता कच्चा तो ससुराल भाग जाते जान को नहीं सुना तो पाए काय बंदा इधर भेजिए नहीं धन है परशुराम आ गए ये सही परशुराम फल सा भर के आए तुम्हें राजा सब बैठे थे अब अभी लड़बे की कह रहे थे थोड़ा अपनो अपना नाम बताऊं ना भी गुरु जी हम फलाने की लड़का यार शंकर जी हंस रहे हैं कि ये धन्य है अपने प्रभु की लीला के लाने कि अभी युद्ध की चर्चा कर रहे थे और अपनों अपनों नाम सब राम राम
सामने जाऊ। परशुराम ने पृथ्वी पर दो खंड देखे हैं, धनुष के पड़ेंगे तो परशुराम को क्रोध आ गया। जनाब मेरे शिव धनुष को किसने तोड़ दिया है? वो मेरे सहस्रबाहू के समान बैठी है, वो सामने खड़ा कर दिया जाए, नहीं तो जितने राजा बैठे सब मारे जाएंगे। जनक जी ने सीता से कही, बेटा जल्दी चलो। तो जनक जी ने सीता को लुआओ और जनक जी ने सीता से प्रणाम करा दो। परशुराम ने आशीर्वाद दे दिया, सीता सदा सुहागवती रहो। सीता धन है जनक महाराज को आशीर्वाद दे। जब ज्यादा जनक जी के परशुराम भागे तो लक्ष्मण जी आ गए, चले तुम कहा चला रहा है? हल्के से में हमने कितनी धन है कोई कबहू ना अस अस की गोसाई। अब बताओ ये धनुष पर इतनी ममता क्या, इतनी ममता? हल्के से में कहा तो सब राजाओं को धनुष पृथ्वी पर धरे थे, तो पृथ्वी बजने से आ गई थी, तो पृथ्वी मामनी से स्वकाल लक्ष्मण बालक बने। और जहां ये धनुष धरे थे तो लक्ष्मण जी ने चक्कर चक्कर करके सब तोड़ा, जो 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 धनुष बचो। ये ममता, ये धनुष पर कितनी ममता। जैसे ही लक्ष्मण जी ने धनंजय बताया, धन परशुराम जी और वत्स हो बाला शिव के धनुष को तू धनंजय बता रहा है, विश्वामित्र इस बालक को मेरी आंखों के सामने ओझल कर दिया जाए, नहीं तो ये फंसे से इसका मैं बद बद दूंगा। राम तो राम है, राम राम भी पहुंचे का कह रहे नाकिसम धने भंजने हाला हो को एक दास तुम्हारा नाकिसम गुरु भाई आपके कुल दास में तोड़ो के आप इतनी गुस्सा काय कर रहे हो? अगर मेरे भाई ने गलती करी है तो राम का शीश आपको चलो पिलाते भर सब राम संक्षेप में सुना रहे कथा। देखो अपने पंडित जी कर रहे कोनू संत में कोनू वक्ता में सामर्थ नहीं है कि पूरी कथा देख लो। अच्छे दिन हो गए बाले कांड चल रहा, अब तो कांड छह सात साल छह कैसे हो रहे तीन दिन में पर कैसे करने पा रहे कल से तो कर रहे कि तीन तीन कांड ले जो कांड बढ़ागा जो लगेगा जो कांड बढ़ागा जो लगेगा मूल बात कथाएं। आज दंड है जब परशुराम ज्यादा गुस्सा हो गए तो राम के लिए तो ठीक है तो फिर हो जाएंगे पकड़ दो। जितनी कही है राम ने तो दो दो पकड़े हो जाएंगे। तो परशुराम जान गए राम धनुष पर कंचा चढ़ा के बांध को छोड़ दो राम, मुझे विश्वास हो जाएगा कि भगवान ब्रह्म का अवतार हो गया। राम राम कर धन ले हूँ खींचत चाप में तत संग ले। राम जी ने धनुष में प्रतन चढ़ा के बाण को छोड़ दिया। परशुराम ने प्रणाम किया और महेंद्राचल पर्वत को चले गए। मानो कितने समय को कितने अच्छे आए थे परशुराम। अगर परशुराम नहीं आते तो राम के विवाह में झगड़ा पक्को हो। धन्य है परशुराम को। ये माला को समझ आओ तो सीता को पांच वर्ष की है सीता शास्त्रों में और राम जी पंद्रह वर्ष के। तो कहे हैं कि माला ये तो है अंकल जी राम या ये सीता तो माला कैसे है सीता कैसे डाल रहा तो उतने भूम का निभाई है भोलेनाथ। भोलेनाथ क्या कहे लक्ष्मण जी से कि क्या तो बताओ तुम्हारे बड़े भैया ने धनुष तोड़ो तो तुम्हें पांव भरो चाहिए तो कितनी अच्छी बात है भोलेनाथ। जैसे लक्ष्मण जी पांव पर हैं तो राम को मूल करके लक्ष्मण को उठे हैं और हम कहते सीता माला डाल दे।
भगवान के पास पहुंची, सुंदर तो सखी बने थे भोलेनाथ। बारे जब जइयो तनक रघुबी लली मोरी रंग भूमि जाओ सिये पगधारी देख रूप मोहे पगधारी आए भगवान राम। जैसे राम को देखा था तो सब मोहे देखे आए पगधारी। और आज सीता राम जी के गले में माला डाल रही है। जइयो तनक रघुवीर लली मोरी छोरी बोलो सीता चलो सीता
बाबा जी ने कछु कहिया। अच्छा एक बात सुन, ताली बजत कहां से? हां तो हां, भीतर मन से बजत है तो अपने आप बजन लगा। देख लो भाई, बने दूला हरे बात मन दबो वीडियो में सेंड कर दिया जी को राम प्यारे अब मेरे टोरी तोर से सब समझ ना, हम लग रहा तो कभी पता ही नहीं राम का विवाह हुआ, धूमधाम से शादी करवाई पंडितों ने। मुझे एक बात है भैया, और मैं नाम सुकीर्ति मांडवी और सीता, चार चार पुत्री का विवाह हुआ। दशरथ जी बारात लेकर के आए थे, आज जब चार पुत्रों की विदाई भाई है, कितने जने बैठे हैं? एक बिटिया की विदाई करवे दे कोनो पिता ने, अगर अपने बेटा को जीत नहीं बैठा हो तो हाथ उठा दे। कोनो बाप ने सामर्थ नहीं अपनी पुत्री को जीत में बैठा और कहने लगे, जाओ बेटा अब तुम ससुराल चलिया, अब तुम्हारी शादी हो। पिता को ज्ञान कभी हो जाते हैं, जब हरी मड़वा में पांव पखारे याद है अपने बेटा के। तो आज मोदी बिटिया पराई हो गई, नैनो सिबरी से नीर मोरे रा। आज मोदी बिटिया हो जाते हैं पाप खास के समय, कि आज मैंने अपनी विद्या के पीले हाथ कर दिए, आज मेरी विद्या इस घर से जाए। अच्छा अच्छा, मैंने एक दिन कहा था शायद पार्वती के विवाह में, कि बिटिया सबसे ज्यादा माताओं को चाहत है बहू को या पिता का, कौन को चाहत है? जो पता कभी लगता है जब बिटिया डोली में बैठती है उसे पता लग रहा है। पिता तो है नहीं, पिता तो कोनिया में बैठ के, महाराज जनक कोनिया में बैठ के रो रहे थे। शंकर जी कह रहे थे आज ब्रह्म ज्ञानी पिता जीवन में दशरथ जनक जी दो बार हुए और कभी नहीं हुए, जब सीता की विदाई है और जब वन में राम और सीता लक्ष्मण चले जा रहे थे, पर्वत पे पानी गिर रहा था, राम नहीं जान पाए सीता के पांव में विमान फटी है, तो सीता ने पर्वत से पानी टपक रहा था और जनक जी ब्राह्मण में ले खोबा लगा कर अंजलि लगा करके जनक महाराज उस समय पिता का देह
अश्मों की धार जनक जी की जय 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 तापत भेष जनको सिए देती सोने के गिलास में पानी पीने वाली सीता सोने की थाली में भोजन करने वाली सीता। उस समय का खेल तो देखो रे कि आज पर्वत से पानी गिर रहा है अंजलि लगा करके हवा लगा करके और आज मेरी सीता पानी पी रही है। समय जनक और आज जब विद्या की विदाई करी है विदाई करना कोई साधारण चीज नहीं है। जिन जिन ने विदाई विद्या की करी है वो दिन कभी भूलते जिन पिता और माँ को भूलते थे। पिता को सामने नहीं जाता विदाई के समय कौन पिता नहीं कहा कौन उपता में सामर प्रेत है जाकर के कौन में बैठे रोने लगता है। अपन भले लोग हैं अगर रो है तो आज बता कि तुम रो रहे हैं तो कौन में बैठे रो रहे थे। जब सीता माँ रोती हुई सीता के पास होती है तो सीता कह रही है माँ पिताजी को क्या जो माँ तो कौन को चाहती थी सबसे ज्यादा माँ को या पिता को। सीता कह रही है माँ हमारे पिताजी को ख्याल करे रही हो और आज भी विद्या जब जाने लगती है तो माँ से निपट के और रोती और कहती माँ पिताजी भी माँ है हमारे पिताजी को ख्याल करे रही माँ तुम रोज माँ। आज विद्या सुकृति उर्मिला माधवी और सीता जब चार चार पुत्री जिस घर से निकली है उस घर को कैसो हाल हो गए शंकर जी कह रहे हम सोई मनो शरीर हरे 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 आज होगी जुदा। माँ से कह रही माँ कि आज होगी जुदा तेरे घर से चली आज हम घर से जा रहे पर मेरे माता मेरे पिता का दुख ना हो माँ माँ भी आज भी क्या कहते हैं और ससुराल में अगर माता पिता की याद आ जाए तो विद्या भोजनों का ख्याल कर बिल्कुल फोन आ जाए कि मेरे पिता बीमार है मेरी माँ बीमार है तो ससुराल में भोजनों का त्याग कर दे तो समझ नहीं पाऊ तो यार पिता आज होगी जुदा तेरे घर से चली छुटाई घर जिसे घर में बनी आज होगी जुदा तेरे घर से चली छुटाई घर जिसे घर में बनी एक पलना बिल्कुल सुसाथ होने चाहो साथ होने चाहो पर अपनी पत्नी से जरूर कह देना ये लाल कि हमारे जैसी सास हमारे जैसा सुसल तो वे इतनी खुश हो जाते हैं। मैं बताओ आज बेटी जन्म लेने आधी रात के अगर विद्या बीमार हो जाए तो माता पिता हे भोलेनाथ हे नर्मदा मैया सने भर के आए हमें विद्या अच्छी हो तो चाहता हूँ अपन ने बंद कर गई और जिस घर को पहुंचा गया तो वो दिन कभी नहीं भूलती है कि माँ और बाप आओ तो अपन को बड़ा आज करत रहो कि हमारे जैसो सारो हमारे जैसो सुसल हमारी जैसी सास अकौ कटाई करी तो वो दिन भोजन नहीं बनाओ तब आज होगी जुदा तेरे घर से चली छुटाई मेरा घर इसे घर में पली आज होगी जुदा तेरे घर से चली छुटाई मेरा घर इसे घर में पली और सास और सुसा
अपन के जन्म शास्त्रों में ये अपने बाप मतादी के बराबर है, अपने बाप मतादी के बराबर है सास ससुर, और अपन तो गाड़ी तक जन लगा है। एक बगला लियो धनरे पंपा की दिया देखो, इस पर देखो पंपा पे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। देखो कब का हम हमला नहीं, देखो रे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और अपन और बच्चे मानस दारू पीए मारो की पूरी जिंदगी नहीं जी सकता, कितनी खराब लीवर खराब, आखिरी एक दिन छोड़ना पड़ेगी। जब शरीर में काम न रहे, शरीर काम न कर रहे तो पले ही पड़ता है, तो अब तो लिया है संग इस दंडा, ये कुछ किया थोड़ा सा छोड़ दीजिए, अजय को खराब लगे दंडा तो हम दंड की भांति प्रणाम, ठीक है जो प्रणाम कर रहे, देखो खराब लगे तो समुद्र मन भाग में अच्छे निकली चल दादा साहब ने आज तो दादा को जो हमारे पर बाप आ गया रुपयो, अगर तुम ना रहो तो पुलिस पकड़ ले, पैसा कोर्ट के उठे हो तो खेती के लिए मनो एक दिन दारू पीने वाले लेन में लग जाते हैं, भगवान कृपा नहीं करे राक्षस प्रबल किया जाते हैं, तो परिवार पे दुख के अलावा सुख की लाव की प्राप्ति रहती। दारू न पीना भैया गाता है वो गाल से लगा से बहुत घर में दर्द आ रहे गेल में छेंक के सुनो तो दारू ये दे रहे थे सांसों में पीने बोला है ना हमारी से डरा मार दुनिया हम बिल्कुल पते हैं जी बाबा जी। दारू न पीना भैया पागल फिरोगे तुम बाजार में, दारू न पीना भैया पागल फिरोगे तुम बाजार में, रोते रहेंगे बच्चे पत्नी रहेगी इंतजार में, रोते रहेंगे पत्नी सोच रही है तो बता पी अल्पति भोजन कर लिया फिर हम तो इन्हें 500 रुपया आज बजावे तो साग सब्जी ले आओ तो जेगा सुनने लाल के दो फटकारे और कहां पर फंसा मोटा है दो चार गांव को मिले चले चलो भैया घर है दिल्ली जा रहे मोदी क्या मैं तो मौत है बोलते चली जा रहा है मोदी के अब जब तुम खटा में मौत आए जाए तो प्राण कर देगा तो चार बने चार जनों ने दरबार में भर कर तो काय बच्चे बहु घर में का बिगाड़ गांव भर के लक्ष लगाओ थे कि भर जवानी ने चुनिए फोन में पड़ी तुमने कुछ कर्म करे वो प्राण का त्याग कर दिया नन्हे नन्हे से बालक पिता के लाले रो रहे हैं कि आज हम बिना पिता के हो बिना पिता के हो गए और तुमने दो पग पकड़ और प्राण को त्याग दारू न पीना भैया पागल फिरोगे तुम बाजार में, दारू न पीना भैया पागल फिरोगे तुम बाजार में, हम कोई पागलों की तरह है हम दूसरे ठीक है हम दो तरह से पागलों की तरह रोते रहेंगे बच्चे पत्नी रहेगी इंतजार में, रोते रहेंगे बच्चे पत्नी रहेगी इंतजार में, दम के पार सजेगी बोले प्यार बजाए सुबह जरूर रोता है बेन रोहे और पत्नी और माता और पिता पूरे संसार में रोने वाला कोई नहीं है, मनो पत्नी और बाप माता जरूर रहे हैं जिनने अपने संसार को पाल के बड़ो करो और अपने सामने मरा हुआ देखते हैं तो वो रो रो ऐसे
बन जाता है जहां ने अभी जो अटल गो सहमाई करे तो दत्ता हम चंद्र की वहां की प्रणाम करते हैं खूब के सज्जो 14 रत्नों में से आई है तो बिल्कुल नहीं तो है अंतर देवताओं को अमृत प्रिया तो लाख का समझा दान किया है तीन हो जो लाओ इस पास में को मनो ना ही हम कोई को नहीं कर रहे जाके कह रहे हां छोड़ो कहे हम ये से नहीं कह सकते हमारे दद्दा की कबीरे बाप हां पाई पाए तो पियो मनोवी कथा को छोड़ो साचिया मनिए में क्या लगा था अब देखो बाबा जी जब पाई पाई पानी नहीं करता तो जोन गांव में बाबा जी को नियम है जोन गांव में जाओ अगर वो गांव को सुधारने हो गए तो बिल्कुल नहीं करे लेके मजन करो बाबा जी ये सही के लाने निकले हैं ज्यादा जात है बाबा जी आदिवासी हैं काय की मारे उसने उनकी कुछ दीवार काम रहे तो हम कह देते हैं हम दे हैं पैसा नहीं वो तुम दे दी हमारे हनुमान जी को जो को दे दिया तो खुद ही आज पैसा है तुम्हारी हो गई है कथा तुम बिल्कुल पूरे सुधर जा धन्य है बाबा जी आज क्या क्या पुत्रियों की विदाई बदल ये बैठ मेरे काम में कहा भाव की हो गई तो कथा बदल दे बदल दे हाँ याद है भाव जैसे सीता बैठ गई है अब जनक जी की ताली खुली आज मेरी सीता बताओ सीता चली गई तो जनक जी दरवाजे के परे हैं धाम से सीता ने कहा रथ रुक रथ रुक गया सीता दौड़ के और पिता से निकल गई सीता देखी पिता खोलो सीता और कुमारी कन्याओं के लाने सुबेरे शाम पूजा करते हैं तो ये तीन चौपाई जरूर बोलना चाहिए ससुराल में सुख मिलेगा ठीक है ये तीन चौपाई लिख ले और बिल्कुल कल से चालू कर देना कि हमारे बाबा जी के रहते प्रेम दिन तुम्हारे पिता की संग ससुराल में चले हैं तो आप क्या गुरु जी तुम जो कहते बाबा जी वो सत्य है तो तीन कौन है देवी पूजी पर दो कमल तुम्हारे सूरी नर मुनि सब हो सुखारे देवी पूजे पद कमल तुम्हारे सुरमय सुखारे हो गई दूसरी जय 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 गिरी राज किशोरी जय महेश चंद्र चतुरी जय 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 गिरी राज किशोरी जय जब पूजन को गई थी घसक माल तो पार्वती ने आशीर्वाद दे दिया था सीता के गले में माला डाल रही थी सुन सिए सा तो आशीष हमारी पूजन मन का मेरा तुम्हारी सुन सिए विदाई हो गई जनक जी बहुत दूर लोग समझी जी बहुत भैया परी बचत का जो समझी भी बिल्कुल सम समझी सम को मतलब हो तो पर आ रहा है देखो इसकी दाढ़ी नहीं आना है आ कम एक समझ दिया दिया नहीं दिया तो की तो मान पाई नहीं आती है यूं ही ना लगता हां यार मैंने एक ना और कहा था बिटिया कौन घर देने शंकर जी सुना रहे पार्वती पार्वती ने दो प्रश्न किए बाबा बिटिया कौन घर देने शंकर जी कह रहे तुम पार्वती से प्रश्न करो बिटिया वो घर देने हैं कि जिनके चरण पूज को जाए जिनके घर यज्ञ हवन हो जिनके घर पाठ पूजा हो वो घर ये दीजिए कंजूसों को नहीं देने शंकर जी कह रहे कंजूस खराब
अब बताओ सास कहीं तो क्या करे, 100 ग्राम तेल में एक महीना की सब्जी बगल जाए तो कहे बहू कौन करेगी चाय बातों भाँस लगे है और सांग और उन्हें अपने बाप के तो घर में देखो है सास इतनी तो फिर वह क्या करो 12 बजे रात का फाटक लगाए और गिरमा लाओ फाटक लगा उठा के रस्सी गर्दन फंदा दारू धन के लोबियन दुष्टन ने पिटिए जा मनो आप बच्चा पहले जी बहु हरे भरा सी लगा लेती जेल पास खा लेती अब मनो बच्चा करो ये बहु हरे बहुत चतुर है इनकी दिया हो जाए देखो नहीं लगाऊंगा तुम्हारी दिया हो जाए लक्ष्मी को अवतार हो नारी ना मोहे नारी कर रूपा पन गा के कर रूपा नारी कोई नारी साधन नहीं है नारी नारी सब कहे नारी नर की खान को नारी से नर ऊट गए ध्रुव पहलाल समान तो अपन हमने तो कहूं सुनी है कि माता जी ने कौन उन्हें फांसी लगा दी चार चार साल तेल मनो तंग जाते हैं हम अब को तंग कब पिताजी ने बेटा सतन कई दो शब्द कह के देख ले कब दो शब्द बोले तो भज जाए तो फिर माला और की कच्ची तो कहीं नहीं हमें तय कह दी के बेटा आज होते नहीं जज्जो कल करे जज्जो आज तो नहीं रस्ते जो काम कर ले तो हमने पाई सारी लाई तो भज जाए अकाल मृत्यु नहीं मानने चलो पुराण में कथा आई है की अकाल मृत्यु फांसी लगावे बारे की अकाल मृत्यु जब तक उमर रहे थे ब्रह्मा ने लिखी है तब तक ये जीव के लाने भटकना पड़ता है संसार और चार पुत्रों की विदाई हो गई हो गया है।